दादी माँ के घरेलू नुस्खे अनोखे उपाय। नंबर एक, जब हम आलू के पराठे बनाते हैं तो अक्सर वह फट जाते हैं और आलू बाहर निकल आता है, तो मैं एक टिप्स आप लोगों को बताती हूँ जिससे आपके आलू के पराठे बहुत ही अच्छे बनेंगे। आप हो सके आटे को उतना ढीला रखिए, यानी कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहना चाहिए आटा, तो ही आलू के पराठे एकदम परफेक्ट बनेंगे। नंबर दो, आप दाल को थोड़ा अलग टेस्ट देना चाहते हो तो दाल पकने के बाद उसमें थोड़ा सा कस्तूरी मेथी को क्रश करके डाल दो, दाल का कुछ अलग ही टेस्ट आएगा और बहुत ही अच्छी बनेगी। अगर आप लोगों को मेरे टिप्स थोड़े से भी पसंद आते, आपके काम आते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ। नंबर तीन, रात को एक चम्मच मेथी भिगो दे और सुबह मेथी के साथ उसका पानी भी पी लेने से शुगर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। नंबर चार, कभी कभी गर्मियों में हमारा पेट दर्द करने लगता है तो उसके लिए आप एक गिलास में पानी लीजिए और उसमें हरी पुदीने की पत्तियों को पीस कर मिलाइए और उसमें चुटकी भर नमक डालकर पी जाइए, आपका पेट दर्द एक मिनट में बंद हो जाएगा। नंबर पाँच, अब बरसात का मौसम आ रहा है तो माचिस बहुत ही जल्दी सील जाती है, तो क्या करें? तो आप जब तवे पर खाना बनाते हो, यानी कि रोटी बनाते हो, तो वह तवा कम से कम 5-10 मिनट के लिए गर्म रहता है, तो आप उस तवे पर आपकी सारी माचिस रख दें और उससे आपके माचिस की सारी नमी ख़त्म हो जाएगी और आपकी माचिस फटाफट से जलेगी। तो आज के टिप्स कैसे लगे ज़रूर से ज़रूर बताना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट टिप्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।